तो इस तरह ये हमारे पास y इंटरसेप्ट तो मिल गया। अब x इंटरसेप्ट के लिए अगर इस इक्वेशन में आप देख लें, अगर y की इक्वल आप लेते हैं, इसमें अगर y की वैल्यू आप ज़ीरो ले लेते हैं, तो जैसे इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट के लिए 29 है, अगर y की वैल्यू अगर आप ज़ीरो हो जाए तो 29, तो 4x इक्वल टू 29 है। अगर x 29 पर आप इसको डिवाइड कर लें तो 29 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 28 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएं तो 0, 2 8 2 75 आपके पास, मतलब 7.25 आपके पास जो x इंटरसेप्ट है, तो लिहाजा हम x की वैल्यू 7.25 नेक्स्ट पुट करते हैं। अगर ये हम पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, फॉर x इक्वल टू, इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 7.25 अगर ले लें तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई फिर करता है आपके पास। तो y इक्वल टू 29 माइनस 4 इंटू 7.25 यहाँ पर, अगर ये इस तरह ले लें तो y इक्वल टू 29 माइनस ये आपके पास 4 5 20 8 2 10 1 28 28 1 29 और 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से 29 माइनस 29 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। तो इस तरह x इंटरसेप्ट भी आपको मिल जाएगा और y इंटरसेप्ट भी। अब यानी यहाँ पर इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहें तो x है, y इक्वल टू आपके पास है 29 माइनस 4x, तो इसके लिए हमारे पास जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू 29 है, और जब इसकी वैल्यू 7.25 है तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 0। तो चलो अब ग्राफ की तरफ चलते हैं कि ग्राफ आप इसका कैसे ड्रा करेंगे। एक और वैल्यू भी अगर आप लेना चाहें तो x इक्वल टू अगर आप लेना चाहें फॉर एग्जांपल 2 लेना चाहें तो x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 29 माइनस 4 इंटू 2, तो ये 29 और इस तरह ये आपके पास, या चलो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं, यानी इसके करीब करीब वैल्यूज़ को ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, x इक्वल टू हम लेते हैं 7, तो y की वैल्यू आपके पास होगी y इक्वल टू 29 माइनस 4 इंटू 7, तो y इक्वल टू 29 माइनस 28 इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू आपके पास 7 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। तो चलो इसको हम अब ग्राफ की शक्ल में इसको ड्रा कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 29, तो 28 और ये 30 है तो यहाँ पर आपके पास आएगा 29। यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ, 29 आपके पास इसके इक्वल आएगा, ये है आपके पास पॉइंट जो 29 है। उसके बाद अगर x की वैल्यू आपके पास 7.25 है या इसकी वैल्यू अगर आपके पास आ जाए 7.25, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी। तो 7.25 का मतलब ये है कि जब 7 और 8 के दरमियान अगर, यानी 7.25 है, अगर चार हिस्से कर लें हम इसके यहाँ तक, यानी 1 2 3 4, तो ये जो हिस्सा आपके पास आएगा यहाँ पर 7 से थोड़ा सा आगे, तो ये आपके पास यहाँ पर जो आएगा ये 7.25 आएगा। तो इसी से आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप 1 के लिए 7 पर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 यहाँ पर आएगा बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर, तो वो सेम ही आएगा, तो लिहाजा इधर ही से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। और एक और क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ी सी एम्बिगुटी है, उसको भी क्लियर करते हैं, फिर आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये जो इंटरसेप्ट इसके लिए बनेंगे।
एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ये आपके पास असल में वो पॉइंट होंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आई पार्ट को भी लिख चुके हैं, तो चलो आई पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस टू एक्स, तो वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस टू एक्स, ये आपके पास इक्वेशन वन बनेगा। तो अगर एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो ले लेते हैं और एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इन टू ज़ीरो इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं, तो फिर देखें y इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इन टू वन, माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू आपके पास 1 होगी। और अगर इसकी वैल्यू आप ले लेते हैं कोई और ले, x इक्वल टू अगर 3 पुट कर लें, तो y इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इन टू थ्री, माइनस वन प्लस सिक्स, तो y की वैल्यू आपके पास प्लस फाइव, ये आ जाएगी। तो चलो इसके लिए आप टेबल को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर x और यहाँ पर y इक्वल टू आपके पास जो इक्वेशन बना था माइनस वन प्लस टू एक्स, इसमें जब आपने x की वैल्यू ज़ीरो ली है, तो इसकी वैल्यू आपके पास माइनस वन यहाँ पर, और जब x की वैल्यू वन आपने ली है, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास वन आ रही है, और जब इसकी वैल्यू थ्री है, तो इसकी वैल्यू आपके पास फाइव। तो चलो इसको अब ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। और एक और क्वेश्चन जो इससे ऊपर था गालबन इफ पार्ट, उसमें भी थोड़ा सा मिसिंग है, तो उसको हम दोबारा करेंगे ताकि अच्छे तरीके से वो आपको क्लियर हो सके। इसके बाद इफ पार्ट को करते हैं, उसके बाद जे पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ड्रा कर लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू आपके पास वाई की वैल्यू है माइनस वन, तो यहाँ पर इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा आपके पास। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, तो वन पे आपके पास, ज़ीरो पे आपके पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, ज़ीरो पर आपके पास माइनस वन है, यहाँ पर वन पर आपके पास ये वन पर वन ये आ रहा है, यानी यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट थ्री पर आपके पास आ रहा है फाइव, तो ये आपके पास ये जो पॉइंट है इस तरह गालबन ये पॉइंट यहाँ तक आता है या जिधर भी है, तो यहाँ तक ये आएगा। अब अगर हम इसको मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास ये। तो इस तरह इसका जो ये ग्राफ आपके पास बनेगा माइनस टू एक्स प्लस प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, इसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, बल्कि जो थोड़ा सा मिसिंग था एफ पहले उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो क्वेश्चंस इसमें था एफ आर्ट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एटीन, एग्जैक्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें निकालने पड़ेंगे। वैसे हमने इसका उस तरीके से ग्राफ ड्रा किया था, लेकिन उसको आप इनकम्प्लीट कह सकते हैं। y इक्वल टू आपके पास 18, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लेट अब हम x की वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू माइनस 18, तो y इक्वल टू आपके पास 18 माइनस 18 ज़ीरो, y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। अब अगर हम x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू अब हम लेते हैं माइनस 9 अगर ले लें, तो y इक्वल टू 18 माइनस 9, y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9। और इसी तरह अगर आप इसके लिए और भी कोई वैल्यूज़ लेंगे, 10 लेते हैं कोई और, इन दो से भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर, बल्कि ये मैंने ले लिया है, x इक्वल टू 10, 9 की जगह ले लें, क्योंकि हम 2 लेंगे यहाँ पर जो आपस में डिफरेंस होगा, ताकि वो आपके पास जो है मज़ीद वो इजी हो।
तो y इक्वल टू हमारे पास 18 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो y इक्वल टू ये हमारे पास 8 आएगा। और इसी तरह अगर x इक्वल टू 9 की जगह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 12 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू आपके पास 18 प्लस 18 माइनस 12 अगर आप लेंगे तो इससे आपके पास आएगा 6। तो चलो अब इसको ड्रा कर लेते हैं। पहले इसके लिए टेबल बनाते हैं, तो टेबल कुछ इस तरीके से आप बना लें। यहाँ पर एक्स है और वाई इक्वल टू आपके पास 18 प्लस एक्स है, तो जब एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस 18 है तो वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। और इसी तरह जब एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस 10 ले लें तो इसकी वैल्यू आपके पास 8, और अगर आप माइनस 12 लेते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू 6, अगर 9 लें तो ये जुफ्त हिन से हम इसलिए लेते हैं ताकि हमने इस पर ग्राफ में जुफ्त हिन से लेने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब इसका जो ग्राफ आएगा, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश है। तो जब एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस 18 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 0, वाई की वैल्यू आपके पास 0। तो एक क्रॉस में यहाँ पर लगा देता हूँ, ये यहाँ पर आपके पास कट करेगा जब y की वैल्यू 0 है। और जब x की वैल्यू माइनस 10 है हमारे पास तो y की वैल्यू आपके पास 8। तो यहाँ 8 के सामने यहाँ इस तरह आप वो करेंगे, अलबन ये इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर माइनस 12 हम लेते हैं तो 12 6, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 6 आएगी यहाँ पर। जब इसकी वैल्यू हम x की वैल्यू माइनस 12 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, इसके सामने बिल्कुल ये होना चाहिए, तो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करना चाहें, x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y आपके पास ये 18, बल्कि ये हमने लिया है यहाँ पर गालबन x इक्वल टू दिस, अगर नहीं लिया तो बल्कि नहीं लिया x इक्वल टू 18 तो y इक्वल टू 18 प्लस 0, y इक्वल टू आपके पास 18 आएगा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 18, टेबल में ये भी ऐड कर लें तो आगे जो है ये कट करेगा, तो आपके पास इस पॉइंट पर ये कट करेगा। तो अब हम इसको मिला लेते हैं ताकि एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन आपके पास निकल आ जाए। इस तरह थोड़ा सा ये इसका एग्जैक्ट हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके। इसके लिए ग्राफ इस तरह होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 18, ये इसका ग्राफ रहेगा आपके पास। यहाँ पर ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा मिसिंग इस क्वेश्चंस में, आधा ग्राफ हमने ड्रा कर लिया तो इसको आप पूरा कर सकते हैं इस ग्राफ को। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगले जे पार्ट को लिख चुके हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू आपके पास 4 माइनस 3x। तो यहाँ पर अगर एक्स लेट हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू आपके पास 4 माइनस 3 एन टू 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तो हमारे पास वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 एन टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। और अगर एक्स की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 एन टू 2, ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। तो इसी को हम टेबल इससे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर x है, y इक्वल टू आपके पास 4 माइनस 3 एक्स है, तो जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 4 है।
इसकी वैल्यू आपके पास इस तरीके से आएगी 4, और जब इसकी वैल्यू आपके पास 1 है x की, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 1, और जब इसकी वैल्यू आपके पास 2 है तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3 × 6 − 2, तो ये आपके पास आ जाएगा −4। तो जब इसकी वैल्यू आपने 2 ली है तो इसकी वैल्यू आपके पास −2। अब ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ पर आप कट करेंगे, और 1 पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी यानी यहाँ से और यहाँ से 1। जब इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू आपके पास −2 है, यहाँ पर जब x की वैल्यू आप 2 लेते हैं, जब आपने इसकी 2 वैल्यू ली है तो इसकी वैल्यू आपके पास −2, तो ये बिल्कुल इसके नीचे और इसके सामने यहाँ पर आएगा। अब अगर इसको आप इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो ये इस तरह आपके पास मिल जाएंगे, यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ आएगा 3x + y = 4। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम के पार्ट को भी लिख चुके हैं, y = −4x + 3, ये तो बना हुआ इक्वेशन है, बना बनाया गया है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पर लेट, तो y = −4 × 0 + 3, y = anything multiplied by 0 = 0, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 1 आप पुट कर लेते हैं y = −4, इसमें आप 1 पुट करें +3, तो −4 + 3 आपके पास आ जाएगा इससे −1। और इसी तरह अगर एक और वैल्यू इसमें आप पुट कर लें x = 2, तो आपके पास y = −4 × 2 + 3 −8 आ जाएगा आपके पास +3, इससे आपके पास वैल्यू आएगी −5। अब आप इस तरह कर लें, इसके लिए टेबल ड्रा कर लें। तो x है और y इक्वेशन जो बना था आपके पास −4x + 3 है, जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 3 है, और जब इसकी वैल्यू आपने 1 ली है x की तो इसकी वैल्यू आपके पास है −1, और जब इसकी वैल्यू 2 ली है तो इसकी वैल्यू है −5। तो चलो अब ग्राफ को जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 3 है, यहाँ पर आप कट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट जब x की वैल्यू आपके पास 1 है तो y की वैल्यू आपके पास −1 है, यहाँ पर ये तकरीबन आएगा, और जब x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y की वैल्यू आपके पास −5, 2 पर आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपके पास, यानी यहाँ से अगर आप बिल्कुल नीचे आए तो इसके सामने तकरीबन यही जगह बनती है, तो यहाँ पर x इस तरह आप, अब आप इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो इस तरह आप इसको मिला सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास, यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, y = −4x + 3 के लिए इस तरीके का ग्राफ आपके पास बनेगा। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, y = हमारे पास x + 2 हो जाएगा इक्वेशन 1, और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लें 0 लेट, तो y = हमारे पास 0 + 2 = 2 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू हम 2 कर लेते हैं x = 2, तो y = 2 + 2 = 4 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू आप −2 पुट कर लेते हैं तो y = आपके पास −2 + 2 = 0। तो ग्राफ इसके लिए इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, या आपके पास x और y = x + 2, जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 2 है,
और जब x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y की वैल्यू आपके पास 4 है, और जब x की वैल्यू आपके पास -2 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो चलो ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, और जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 4 है। तो 4 यहाँ पर गालबन आपके पास आएगा, यानी यहाँ से इधर और फिर यहाँ से स्ट्रेट इधर आना चाहिए, तो ये आपके पास पॉइंट होगा। और जब x की वैल्यू आपके पास -2 है, माइनस ये जितनी भी वैल्यूज है साइड माइनस, तो जब x की वैल्यू आपके पास -2 है तो इसकी वैल्यू फिर आपके पास होगी वो 0। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं x की वैल्यू -2 पर। तो अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स तो आपने ड्रा कर लिए, तो यहाँ पर इस तरह आप इसको अगर ड्रा करें तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, इसका ग्राफ जो है वो बनेगा। तो ये आपके लिए आपके पास जो है वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी जैसे ही हम यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।